पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित किए जाने की मांग को लेकर मंगलवार को विश्वविद्यालय के लगभग 3 दर्जन छात्रों ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजियां भी की। धरने के दौरान कुलपति तिवारी, शिवम चौधरी, शिवम सिंह, आशीर्वाद यादव सहित कई छात्र उपस्थित रहे। धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि कुलपति से बार बार गुहार लगाने के बावजूद छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित नहीं की जा रही है, जिससे यहाँ के छात्रों में काफी आक्रोश है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए छात्र मनीष ओझा ने कहा, तो एकता जिंदाबाद, 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 छात्र एकता जिंदाबाद, 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 छात्र एकता जिंदाबाद, 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 आवाज दो, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम लोग छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित कराने के लिए आज यहाँ पे तालाबंदी करके प्रशासनिक भवन का मांग किया जा रहा है। माननीय कुलपति महोदय को एक ज्ञापन दिया जाएगा, छात्र संघ तिथि को जल्द से जल्द घोषित किया जाए, क्योंकि कर्मचारी संघ का चुनाव और शिक्षक संघ का चुनाव हमेशा हर वर्ष होता है। एक ही प्रदेश में दो तरह का कानून बनाया गया है। गोरखपुर जो मुख्यमंत्री का शहर है, यहाँ पे छात्र संघ चुनाव नहीं कराया जाता, जो छात्रों के लिए के हित की नहीं बात है ये। जहाँ तक देखा जाए तो माननीय राज्यपाल महोदय ने एक अध्यादेश जारी किया था, जिसमें विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में एक ही साथ छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित की गई थी कि चुनाव कराया जाएगा, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहा, अपनी मनमानी बारंबार कर रहा है। बारंबार हम लोग ज्ञापन दिया गया है इसके लिए कि छात्र संघ की तिथि घोषित की जाए, लेकिन इन लोगों ने कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार से अनुमति लाओ। अभी पहले कहे थे राजभवन से अनुमति लाओ, राजभवन से अनुमति आई तो अब कह रहे हैं प्रदेश सरकार से लाओ। प्रदेश सरकार से लाइएगा तो फिर जिला प्रशासन से कहेंगे अनुमति लाने के लिए। इन लोग का मंशा ये है कि छात्र संघ चुनाव ना कराया जाए। विद्यार्थियों के हित की बात ये लोग नहीं चाह रहे हैं, चाह रहे हैं कि छात्र छात्राओं को अपने पैर के तले दबा दिया जाए। उनकी आवाज़ों को दबाने का काम विश्वविद्यालय प्रशासन कर रहा है।